अयोध्या मथुरा माया काशी कांचीर अवंतिका पुरी द्वारावतीश्चैव सप्तैता मोक्षदायिका। नमस्कार, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल कथा कहानी घर संसार में। आजकल की भागदौड़ भरी जिंदगी में जहां दिन रात हम अपनी जिंदगी में व्यस्त हैं, वहीं हिंदू धर्म में देखा जाए तो 365 दिन त्योहार ही त्योहार हैं और मंगल ही मंगल है। ऐसी अनेक तिथि हैं जिन पर प्रभु का नाम लेने से विशेष कृपा बरसती है और ऐसी ही एक तिथि है सोमवती अमावस्या। सनातन धर्म में सोमवती अमावस्या का विशेष महत्व है। सोमवार के दिन अमावस्या की तिथि पड़ने के कारण इसे सोमवती अमावस्या कहते हैं। इस दिन की जाने वाली पूजा, स्नान और दान आदि का पुण्य जीवन में प्राप्त होता है। सोमवती अमावस्या के दिन पीपल का पूजन करने से जहां सौभाग्य बढ़ता है, वहीं पितृ प्रसन्न होकर आशीर्वाद प्रदान करते हैं। सोमवार को भगवान शिव का दिन माना गया है एवं पीपल के वृक्ष में इस दिन अन्य देवी देवताओं पितरों के साथ साथ शिव जी का भी वास माना गया है। इसीलिए सोमवती अमावस्या पर पीपल की पूजा का महत्व और भी बढ़ जाता है। पुण्यों में वृद्धि के लिए इस दिन पीपल की पूजा के साथ साथ तुलसी की 108 परिक्रमा भी अवश्य करनी चाहिए। उसके पश्चात सोमवती अमावस्या की पुण्यदायिनी कथा का श्रवण अवश्य करना चाहिए। तो आइए कथा शुरू करते हैं। एक साहूकार के 7 बेटे, 7 बहू और एक बेटी थी। साहूकार के घर एक जोगी भिक्षा मांगने आता था। जोगी को साहूकार की बहू जब भिक्षा देती थी तो वह आराम से ले लेता था, लेकिन जब बेटी भिक्षा देती थी तब वह बिल्कुल भी भिक्षा नहीं लेता था और कहता कि बेटी सुहागन तो है पर इसके भाग्य में दुख लिखा है। यह बात सुन सुनकर बेटी को चिंता होने लगी और उसका शरीर दिन प्रतिदिन कमजोर होने लगा। उसकी माँ ने पूछा, बेटी तुम इन दिनों इतनी कमजोर क्यों दिखाई देती हो, क्या कारण है? तब उसने बताया कि माँ एक जोगी भिक्षा मांगने आता है जो कहता है कि बेटी है तो सुहागन लेकिन इसके नसीब में दुख लिखा हुआ है। यह बात सुनकर उसकी माँ ने कहा कि बेटी तुम चिंता मत करो, कल जब जोगी आएगा तब मैं अपने कानों से सुनूंगी और देखूंगी कि जोगी क्या कहता है। अगले दिन जब जोगी भिक्षा लेने आया तो उसकी माँ छुप कर बैठ गई। जब बेटी भिक्षा देने लगी तो जोगी ने वही बात फिर से बोली। इतनी बात सुनकर उसकी माँ बाहर निकल कर आई और बोली, एक तो हम तुम्हें भिक्षा देते हैं और तू ऊपर से हमें गाली देता है। तब जोगी बोला, नहीं नहीं, मैं गाली नहीं देता, जो बात सच है वही बोलता हूँ, जो इसके भाग्य में लिखा है वही तो कहता हूँ। माँ ने जोगी से कहा कि तुम्हें यह तो पता है कि इसके भाग्य में दुख लिखा है, तो यह भी तो बता दो कि यह दुख कैसे दूर होगा। तब जोगी बोला कि 7 समुन्द्र पार एक सोना धोबन रहती है जो सोमवती अमावस का व्रत करती है, अगर वह आकर अपना फल दे दे तो इसका निवारण हो सकता है, नहीं तो विवाह के होते ही इसके पति को सांप डस लेगा। यह बात सुनकर माँ बहुत रोने लगी और सोना धोबन की तलाश में जाने लगी। चलते चलते रास्ते में तेज धूप पड़ने लगी तो साहूकारनी एक पीपल के पेड़ के नीचे बैठ गई। उस पीपल के पेड़ में एक गरुड़ पक्षी का घोंसला था जिसमें गरुड़ का एक छोटा सा बच्चा था। साहूकारनी को घोंसले के पास एक सांप जाता हुआ दिखाई दिया तो उसने उस गरुड़ के बच्चे को बचाने के लिए उस सांप को मारकर ढाल के नीचे रख दिया। जब गरुड़ और पंखनी आए तो घोंसले के पास खून देखकर अति क्रोधित हो उठे और साहूकारनी को बार बार चोंच मारने लगे। तब साहूकारनी बोली, मैंने तो तुम्हारे बच्चे की जान बचाई है, यह सांप तुम्हारे बच्चे को डसने वाला था तो मैंने इसे मारकर गिरा दिया। गरुड़ ने सांप की ओर देखा और कहा, तुमने हमारे बच्चे की जान बचाई है, अब तुम्हें जो मांगना है सो मांगो। तब साहूकारनी बोली, मुझे 7 समुन्द्र पार सोना धोबन के घर छोड़कर आ जाओ। गरुड़ ने साहूकारनी को अपनी पीठ पर बैठाकर 7 समुन्द्र पार सोना धोबन के घर छोड़ दिया।
वहां जाकर साहूकारनी ने सोचा कि सोना धोबन को कैसे राजी किया जाए। सोना धोबन के भी सात बेटे और बहू थे। उसकी सातों बहुएं काम को लेकर रोज लड़ाई करती थी और काम भी नहीं करती थी। रात को जब सब सो जाते तो साहूकारनी सोना धोबन के घर जाती और घर का सारा काम करके वापिस आ जाती। गायों को नहलाती, घर की सफाई करती, रसोई का काम करती, चौका बर्तन करती, आटा पीसती, कपड़े धोती, पानी भरती और दिन होने से पहले वापिस चली जाती। बहुएं सोचती कि ये सारा काम कौन कर रहा है, लेकिन कभी एक दूसरे से पूछती नहीं कि ये सब काम कौन कर रहा है। एक दिन सोना धोबन ने कहा, तुम आजकल लड़ती भी नहीं हो, काम भी ठीक कर रही हो। तो बहुओं ने कहा, सासू जी, काम तो हमें ही करना पड़ता है, चाहे हम लड़कर करें या राजी होकर करें, इसलिए हमने सोचा लड़ाई करने से क्या फायदा। सोना धोबन ने सोचा कि आज देखा ही जाए कि कौन सी बहू काम करती है, और वह रात को बिल्कुल भी नहीं सोई। उसने देखा कि रात को एक औरत आई और पूरा काम करके जाने लगी। तो सोना धोबन ने बोला कि तुम कौन हो और तुम्हें ऐसी क्या जरूरत है जो तुम हमारे घर का काम करके जाती हो। साहूकारनी ने कहा, जरूरत है तभी तो इतना काम करती हूँ। सोना धोबन ने पूछा कि बोलो तुम्हें क्या चाहिए। साहूकारनी बोली, पहले मुझे वचन दो तब मैं बताऊंगी। सोना धोबन ने वचन देकर कहा कि अब तो बताओ। साहूकारनी बोली, मेरी बेटी के भाग्य में दुख लिखा हुआ है, इसीलिए आप चलकर उसे सुहाग दें और सोमवती करें। सोना धोबन अपने बेटे बहू से बोली, मैं तो साहूकारनी के साथ जा रही हूँ, यदि पीछे से तुम्हारे पिताजी खत्म हो जाएं तो तेल घी के कूप में डालकर छोड़ देना। फिर दोनों साहूकारनी के घर चली जाती हैं। साहूकार की बेटी का ब्याह होने लगा तो दूल्हा फेरों में बैठ गया। सोना धोबन घुटने के पास कच्चा करवा रखकर बैठ गई, उसमें दूध डाला और तात का तार लेकर बैठ गई। थोड़ी देर बाद सांप आया और दूल्हे को डसने के लिए आगे बढ़ने लगा। सोना धोबन ने करवा आगे रख दिया और तार से बांध दिया, लेकिन दूल्हा डर के मारे मर गया। तब सोना धोबन ने टीके में से रोली निकाली, मांग में से सिंदूर निकाला, आंख में से काजल निकाला और मेहंदी निकालकर छोटी उंगली से छींटे मार दिए और बोली, आज तक मैंने जितनी सोमवती अमावस करी उनका फल तो साहूकार की बेटी को लग जाए, और आगे जो मैं सोमवती अमावस करूं वह मेरे बेटे को लग जाए। इतना कहते ही दूल्हा जीवित हो गया और सब सोमवती की जय जय बोलने लगे। सोना धोबन वापिस जाने लगी, तब साहूकार ने बोली, तुमने मेरे दामाद को नया जीवन दान दिया है, इसलिए कुछ भी मांगो। वह बोली, मुझे तो कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ एक हांडी दे दो। वह हांडी लेकर चली गई। सोना धोबन हांडी लेकर चली जाती है। रास्ते में सोमवती अमावस आती है तो हांडी का 108 परिक्रमा लगाकर पीपल के पेड़ के नीचे गाड़कर घर आ जाती है। घर आकर क्या देखती है कि उसका पति मरा हुआ तेल और घी के कूप में पड़ा है। तब सोना धोबन ने टीके में से रोली निकाली, मांग में से सिंदूर निकाला, आंख में से काजल निकाली, हाथों में से मेहंदी निकालकर छोटी उंगली से छींटे दिए और बोली, मैंने जो रास्ते में सोमवती अमावस की है उसका फल मेरे पति को लगे। इतना कहते ही उसका पति उठकर बैठ गया। उसके बाद घर का ज्योतिषी आया और बोला कि यजमान, आज तो सोमवती अमावस्या है, मेरी दक्षिणा भी दे दो। सोना धोबन बोली कि मैं तो अभी अभी आई हूँ और सोमवती अमावस रास्ते में ही आई थी, तो मैंने तो कुछ भी नहीं किया, और जो कुछ भी किया वह सब पीपल के पेड़ के नीचे ही गाड़ दिया। ज्योतिषी ब्राह्मण ने जाकर खोद कर देखा तो उन्हें 108 सोने के सिक्के मिले। ज्योतिषी ब्राह्मण सबको घर ले आया और सोना धोबन से कहने लगा, ऐसी हेरा फेरी की है, मुझे बोल दिया कि मैंने कुछ भी नहीं किया और ये देखो 108 सोने के सिक्के मिले हैं। सोना धोबन कहने लगी, यह तो तुम्हारे ही भाग्य से हुआ है, इसीलिए इसे तुम ही ले जाओ।
ब्राह्मण बोला कि नहीं नहीं, मेरा तो इसमें चौथा हिस्सा है, बाकी जैसा आपका मन हो उसे दे देना। और सारे नगर में जाकर बोल दिया गया कि सब सोमवती अमावस का व्रत कीजिए। हे सोमवती अमावस, जैसे साहूकार की बेटी को सुहाग दिया वैसा सबको देना, हमको भी देना। सोमवती अमावस की कहानी कहने वाले को, सोमवती अमावस की कहानी सुनने वाले को, हामी भरने वाले को, हुंकारा देने वाले को और अपने पूरे परिवार को आशीर्वाद देना। जय सोमवती अमावस, जय सोमवती अमावस।